वो बुल पहाड़ी से गिर गया था। काफी ज्यादा बारिश हो रही थी उस दिन। जो नदी थी उसमें पानी भी ज्यादा आया हुआ था। मेडोला से एक रेस्क्यू के लिए फोन आया था। वो बुल खुले में पड़ा हुआ था और ना उसको खाना दे रहा था ना पानी। हमारे पास जगह नहीं है और हम दो दिन से ट्रीट कर रहे हैं इसको। आज हम इसको सराह गौशाला में शिफ्ट कर रहे हैं। तो हमने बुल को लोड कर लिया, फिर वापस आए तो हम जिस रोड से गए थे जाती बार तो उस पे पानी नहीं था, पर आती बार उस रोड पे भी काफी पानी था। ये खड्ड में पानी बहुत ज्यादा आ गया है। गाड़ी भी हमने बड़ी मुश्किल से निकाली है वहाँ से। अब सराह गौशाला में रोज ट्रीटमेंट करा करेंगे इसका। लगभग हमने उसकी ट्रीटमेंट 3 से 4 दिन तक चलाई थी, लेकिन तीसरे दिन के बाद वहाँ जाके पता लगा कि वो नहीं रहा। उसका सबसे मेन रीज़न है कि उसकी डेथ जो है वो सेप्टिसीमिया की वजह से हुई थी। काफ़ी समय से वो बैठा हुआ था, जो फ्रैक्चर्ड लेग थे उसकी वजह से, और साथ में मैगट वुंड्स भी थे। तो ये इन्फेक्शन धीरे धीरे ब्लड में उतर गया और बाकी दूसरे ऑर्गन्स को भी डैमेज करने लगा होगा। इसको ये रहता कि स्प्लिट करने आगे फिर से मेरी टांगों को परेशान करना। अब ये बच्चा देखना ऐसे भागेगा जैसे चंदास जब से मसाज और स्प्लिटिंग करना स्टार्ट की है, उसके बाद असर दिख रहा है अभी। चलिए अब चलिए, आज चल अब थक गया, थक गया। और देखो उसको अपनी चोरी की टकियाँ पड़ी, निकल यार तू। हमें एक बुल के रेस्क्यू के लिए फ़ोन आया था पठानकोट के थोड़ा पीछे से, तो हम वहाँ पे गए देख के। वो जंगल में चला गया क्योंकि वो जो लोग थे उन्होंने उसको पकड़ने के लिए काफ़ी ट्राई किया था, तो उनसे डर रहा था वो। लेकिन हम भी पीछे पीछे चले गए। हमें मतलब 1-1.5 घंटा लगा उसको ढूंढने में, हमें मिला। फिर हमने एक बार डार्ट उसको मारा, आधे घंटे बाद उसको इंजेक्शन का असर हुआ नहीं इतना। फिर सेकेंड बार फिर हमने लोड किया, फिर उसको मारा। मैं ये सोचा कि गाय को ना लगे, इसलिए वो पेड़ पे जाके लग गया। तो फिर हमने एक और डांट भरा, फिर इसको मारा, तो उसके आधे घंटे बाद जो वो जाके बैठ गया जंगल में। तो उसको हमने फिर रस्सी बांधी, फिर जो उसके सिंग पे रस्सी बांधी थी वो काट दी और उसको फर्स्ट एड किया और वहाँ पे छोड़ दिया। वहाँ पे लोग थे, वो बोल रहे थे हम आगे देख लेंगे इसको। एक बुल रिलीज किया बड़ा, जो कि हमारे पास पिछले 4 महीने से था, अप्पू। उसका इंजरी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, उसके टेस्टिकल्स में इंजरी थी, लेकिन काफी अच्छे से रिकवरी हुई। शर्मिला जो कि मैगेट वुंड की वजह से आया था, पफी जिसको ट्यूमर था उसकी भी पूरी हीलिंग हो चुकी थी, उसे भी हमने रिलीज कर दिया। और शंख जिसको टिक फीवर की वजह से हमने यहाँ पर रखा था, तो उसका जो एंटीबायोटिक का कोर्स था वो पूरा कंप्लीट हो गया। और आदित्य जो कि इसके रेस्क्यूअर हैं हमेशा से, वो इसको वापस लेके जा रहे हैं। इसको हम बड़ो रोड से रेस्क्यू करके लाए थे। हम ट्रीट ऑन शीट करने गए पर इसकी आज पूरी बाहर थी, तो इसका ट्रीट ऑन शीट हो नहीं सकता, इसकी सर्जरी ही होनी थी, तो हमारे पास स्पेस नहीं था। फिर हमने वकील जो हमारा एक बैल था उसको रिलीज़ किया, फिर हमने इसको नेक्स्ट डे रेस्क्यू कर लिया। काफ़ी ज़्यादा मैगट बोन था, पूरा क्लियर है, इन्फेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं है। कई दिनों से बारिश भी है तो आज मौसम ठीक है, तो इसलिए आज सर्जरी कर रहे हैं इसकी। आज बाहर आ गया था, वो हुआ कैसे था? वैसे तक कांटे वाली तार लगी है। वैसे अभी तक इसकी कंडीशन कैसी है? जहाँ तक मुझे दिख रहा है ये वो एक क्रिएटिंग फॉर इंडिया वाली बुक, क्योंकि हम लोग पीपल फार्म हिमाचल का बेस्ट यूट्यूब चैनल, इन्होंने हमें अवार्ड दिया है ना, तो ये किताब होगी आई थिंक वो। क्योंकि हम लोगों को इतने टाइम से कमेंट्स आ रहे थे कि भाई आप लोगों को अवार्ड मिला, हमें नहीं पता था। फिर आज ये फाइनली डब्बा आया है। ये बबल रैप तुम लोग यूज़ कर लोगे पैकेजिंग में? डैम, कांच की किताब है क्या? बाहर का था इतना सारा वो बाबा रे। इसमें आवाज भी आएगी हम श्योर खोलते ही। कोई कहाँ पे है हमारा पीपल फार्म देखें। नाइस हे, हमारा डोनेशन वाला क्यूआर कोड भी। काफी ज्यादा बॉडी टेम्परेचर लो हो गया है एकदम, पेट में पेन है उसको, तभी बार बार मुंह को खोल के रख रही है एकदम। टेम्परेचर नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं, हमने क्रोमोफिन भी दिया है इसको अभी, तो हम लोग खुद अपने पास चलाते ताकि बॉडी टेम्परेचर इनका भी मेंटेन रहे और प्रॉब्लम ना हो। लेकिन आज सुबह एकदम से सर ये डाउन हो गई है और अभी कंडीशन थोड़ी सी ज़्यादा क्रिटिकल है। अच्छा अच्छा अच्छा, अक्षत नहीं कर लेता बैंडेज, आप एक बार आ ही जाओ ना इधर। ठंडी होगी,
अच्छा दूंगी तो वो ही दिया, पीछे से कुछ पास कर तो दिया लिक्विड सा। हाँ लेकिन उसको ना उठाते ही बड़ा ज्यादा दर्द हो रहा है एकदम। कि एब्डोमेन में कुछ हार्ड सा स्ट्रक्चर है, अब वो हार्ड से स्ट्रक्चर को हमने रिमूव करने के लिए एक मेडिकेशन स्टार्ट करी थी, लेकिन वो फिर भी सर्वाइव नहीं कर पाया। जब हमने उसका पोस्टमार्टम किया तो उसमें हमें पता लगा कि उसका राइट किडनी फेलियर हुआ है काफ़ी, लेफ्ट किडनी भी अफेक्टेड थी, तो और उसकी वजह से उसकी डेथ हुई है। हम पीपल फार्म से बोल रहे हैं ना, हम निकल गए फार्म से ना, तो आप पहुंच जाइएगा वहाँ पे ना जहाँ पे गाय को बांधा हुआ है। उनके पास घर पे जगह नहीं थी बांधने की, क्योंकि वो किसी और के ग्राल में बांधते थे। अब उसने ग्राल गिरा के कुछ और बनाना है अपने घर का हिस्सा, तो उन्होंने किसी की दुकानों में रखा हुआ है गाय को अभी। और जहाँ पे दुकान पे रखी थी वो लोग भी बाहर निकाल रहे थे कि इसको बाहर निकालो क्योंकि हमने प्लस्तर करने। ये बोल रहे हैं ना जिनके काम लगा हुआ है, बोलते हैं कि अपना बंदोबस्त कर लो कहीं पे। यहाँ पे जब दो तीन दिन के बाद ये यहाँ प्लस्तर का काम चला हुआ है ना, तो बोलते कहीं पे उठा के रख लो। जिनके पास थी उनकी अपनी भी नहीं है, उनके भाई की गाय थी, उनको कोई बीमार उमार हो गए थे तो एक साल से उनके पास है, चरने के लिए छोड़ी थी। एक दिन वहाँ पंजाबी गाड़ी बेचारी को एक्सीडेंट हो गया इसका, ज्यादा लगी है ऐसे ऐसे कर रही थी जब ना टांगों को ऐसे ऐसे कर रही थी, बोले लगा नहीं खड़ी है बोले। जिनकी गाय है उसने थोड़ा शोर सार करा, पंचायत बुलाई तो 8-10 हज़ार रुपए दे के गए। वो उठी थी दोबारा गाँव में रखवाने वाला कोई नहीं था, हमारे यहाँ जगह नहीं है तो हमारे यहाँ से दो बुल गए रिलीज हुए तो फिर हम इसे लेके आए। एक तो ये प्रेग्नेंट है, अभी इसका 9 महीना लगना है और हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ क्लिनिक में हॉस्पिटल में इसकी डिलीवरी ना हो। मैं यहाँ पे बच्चा होने नहीं दे सकती, मैं साफ बता रही हूँ, क्योंकि बच्चे के लिए भी ये हार्मफुल होगा। ये एक हॉस्पिटल है ना, यहाँ नहीं रख सकते ना, यहाँ पे होने दे सकते ना हम। तो ये जहाँ पे आपका जहाँ पे भी होगा साफ सुथरा था, सप्लीमेंट चल रहा था कैल्शियम वगैरह पहले? हाँ जी चल रहा था ना, सब चल रहा। बड़ी तकड़ी दिखाई दी है, जिस बढ़ गई है ना, ये तो आती नहीं रही पहले से। टैग कहाँ हटा दिया इसको? ये ना जब एक्सीडेंट हुआ था ना वो निकल गया, उधर पड़ा है हमारे पास है। उनको अभी जगह मिल गई है, फिर भी हम इसको अभी रख रहे हैं, अभी 1-1.5 हफ्ता और रखेंगे, उसका मुंह थोड़ा सा और ठीक हो जाए। अब तो ये खड़ी भी हो रही है अपने पैर पे, अपनी मर्जी से खड़ी हो जाती है, आराम से बैठती भी है, उसके बाद हम इसको वापस वहीं पे रिलीज करेंगे। भैया ये कितने आगे पिल्ले? 75 आए जी। और कितने लग गए रविंदर जी? 30 तक तो। तो एक बार ये तार लग जाती है सारी, फिर जो भी हमारे सारे घोड़े हैं वो इस घास को तो चरी लेंगे। और प्रभुदेव मेरी वहाँ पे नींव खुदवा दो ताकि ये आपने मुझे ये पहले ये तार लग जाएगी। गेहूं से शुरू हुए आप, आजकल गेहूं लग रहा है, आजकल गेहूं कट रहा है, अब चावल लग रहा है। मैं सर्दी से पहले कर दूंगा जिनसे हम पक्का बना देना जी। ये हमारी सैंक्चुअरी रहेगी ना, तो जो भी बूढ़े गाय बैल हो गए या ब्लाइंड हो गए या थ्री लेगेड हो गए वो यहाँ पे आएंगे। जो भी हमारे पास खच्चर घोड़े आते हैं वो भी काइंड ऑफ डिसेबल्ड ही होते हैं, उनको चलने में बड़ी तकलीफ होती है, तो वो लोग यहाँ पे आएंगे। ये भी मेरे ख्याल से अगले साल तक हमारा सब सेट हो जाएगा। अगले साल तक है ये, तो इसी साल तक हो जाएगा। हो जाएगा।